हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कटोज किचन में, वेयर वी कुक विद लव और जहां बनती हैं हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज। तो कटोज किचन में आज हम बनाएंगे मीठी सेवैयाँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने सेवैयाँ ले ली हैं। ये ऑलरेडी रोस्टेड हुई सेवैयाँ हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की सेवैयाँ हैं। इसके अलावा यहाँ मैं लूँगा कुछ और इन्ग्रीडियंट्स जैसे कि चीनी। चीनी की क्वांटिटी मैंने सेवियाँ की इक्वली रखी है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में मैंने थोड़े से बादाम ले लिए हैं, साथ में लिए हैं थोड़े से काजू और किशमिश। तो ये हमारे रेसिपी के बेसिक इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी रेसिपी। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी ऐड कर लिया है। इस देसी घी में जो भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हम इसमें यूज़ करने वाले हैं उनको हम भून लेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ बादाम ऐड कर दिए हैं, इनको अच्छे से हमें भून लेना है। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही मैंने थोड़े से काजू ऐड कर दिए हैं। काजू को पकने में थोड़ा सा टाइम कम लगता है, इसलिए बादाम थोड़े से देर भूनने के बाद मैंने काजू स्टेज पर ऐड किए हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा देर नहीं भूनना है, हल्का सा जो हमारे काजू हैं वो हल्के से कलर में चेंज हो जाएँ तो तभी तक हमें उन्हें भूनना है। इस स्टेज पर मैं थोड़ी सी किशमिश ऐड कर दूँगा। किशमिश को फूलने में लगभग 10 से 20 सेकंड लगते हैं। 10 से 20 सेकंड में हमारे जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं अच्छे से भुन जाएंगे और इन्हें हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आप हमारा वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर मेंशन कीजिएगा। साथ ही मेंशन कर दीजिएगा कि कौन सी रेसिपीज़ हैं जो आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो भी आपके रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ हैं उनमें से कुछ को बना कर लाएँ। तो आप देख सकते हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे रोस्ट हो चुके हैं, इन्हें स्टेज पर हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे। यहाँ मैंने लगभग एक चम्मच के करीब फिर से देसी घी ऐड किया है। इसमें हम हमारी जो वर्मिसली है उसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। वैसे तो मेरे पास जो वर्मिसली मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ऑलरेडी रोस्टेड है, उसे बहुत ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने घी बहुत कम डाला है। लेकिन अगर आपके पास जो वर्मिसली है वो ऑलरेडी रोस्टेड नहीं है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा घी की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है और लो फ्लेम पर उसे अच्छे से भून लेना है जब तक कि आपकी जो वर्मिसली है वो गोल्डन ब्राउन कलर की ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसका कलर जो है हल्का सा चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। इस स्टेज पर मैं यहाँ ऐड कर दूँगा लगभग आधे लीटर के करीब पानी। पानी डालने से क्या होगा कि आपकी वर्मिलीज जो है फूलना स्टार्ट कर देगी। तो इसे अच्छे से चला लेंगे स्टेज पर ताकि जो वर्मिसली है वो आपस में चिपके ना। अच्छे से इसे चला लेंगे, पानी में अच्छा सा बॉईल आने तक हमें इसे अच्छे से पकाना है। तो लगभग आधे मिनट के बाद आप देखेंगे पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है, वर्मिसली भी जो है हल्की हल्की फूलना स्टार्ट हो चुकी है। इस स्टेज पर हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। अगर आपको लग रहा है किसी तरह की इम्प्योरिटीज़ इसके ऊपर आ रही हैं तो आप इसमें थोड़ा सा लगभग एक से दो चम्मच के करीब दूध डाल दीजिएगा, उससे आपकी सारी गंदगी इकट्ठी हो जाएगी और उसे आप कढ़ाई में से निकाल लीजिएगा। तो यहाँ लगभग मेरे को इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाते हुए लगभग डेढ़ मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं जो वर्मिसली है हल्की से ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो चुकी है। इसे चला लेंगे और इसी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे कुछ देर पका लेंगे। तो लगभग तीन मिनट मुझे इसे पकाते हुए हो चुके हैं और आप देख सकते हैं पानी जो है पूरी तरह से सूख चुका है, वर्मिसली हमारी काफ़ी अच्छी बन चुकी है। इस स्टेज पर इससे काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। इस स्टेज पर हम यहाँ ऐड कर देंगे चीनी। चीनी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स, इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर हमें गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देना है। लो फ्लेम पर हम इसे लगभग एक से डेढ़ मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो चीनी ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर आ गया है वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो आप देख सकते हैं वर्मिसली कितनी अच्छी बनी है हमारी। अभी आपको इसमें मॉइस्चर थोड़ा दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि वर्मिसली काफ़ी चिपकी चिपकी है, लेकिन जब हम इसे गैस से उतार लेंगे उसके बाद हम इसे ढककर लगभग 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 5 से 10 मिनट ढककर पकाने के बाद आप देखेंगे कि आपकी वर्मिसली जो है काफ़ी खिली खिली बनेगी। तो इसे ढककर मैंने छोड़ दिया था। अब आप देख सकते हैं कितनी सुंदर हमारी वर्मिसली खिली खिली बनकर तैयार हुई है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।